Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences, and today we will study about very important topic Kelvin cycle, जिसे हम C3 cycle भी कहते हैं, dark reaction भी जिसका हम बोलते हैं। तो आज हम study करेंगे Kelvin cycle के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो Kelvin cycle study करने से पहले सबसे पहले photosynthesis का थोड़ा introduction देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज में लेते हुए किसका निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और इसमें साथ में ऑक्सीजन का विलोषण होता है। हमने पहले ही स्टडी कर ली, यहाँ पर ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में देख लिया, फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन सी स्टेप? एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर कंप्लीट होती है? ग्रेना में। ग्रेना में क्या होता है? फोटोफास्फोरेशन होता है और फोटोफास्फोरेशन में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण किया जाता है। और ये एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं? केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में क्या किया जाता है? CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है? शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में लाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पहले NADP और ATP में। और ये जो ATP और NADP बने हैं वो डार्क रिएक्शन में यानी स्ट्रोमा में जाते हैं, वहाँ पर केल्विन साइकिल में ये ATP और NADPH को यूज में लिया जाता है और वहाँ पर CO2 से किसका निर्माण कर लिया जाता है? शुगर का निर्माण कर लिया जाता है। तो आज हम स्टडी करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, जो कहाँ पर कंप्लीट होते हैं? स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। तो पहले डार्क रिएक्शन का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डार्क रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, आल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। अब देखो डार्क रिएक्शन का मतलब यह नहीं है कि डार्क में होगी यानी अंधेरे में होगी, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती। रिएक्शन तो कंप्लीट होती है दिन में ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रात को कंप्लीट होगी। इसका मतलब ये है कि लाइट की आवश्यकता इसको नहीं होती है। लाइट की आवश्यकता किसको होती है? लाइट रिएक्शन में, जहाँ पर NADP और ATP का निर्माण हो गया। अब वो जो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बने हैं उसको यूज में कहाँ पर किया जाता है? डार्क रिएक्शन में यानी केल्विन साइकिल में यूज में किया जाता है। केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि केल्विन मेलविन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, केल्विन। अब देखो डार्क रिएक्शन कहाँ पर कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? केल्विन साइकिल में क्या होता है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा नोन एज केल्विन साइकिल। यहाँ पर क्या होती है? रिएक्शन की एक सीरीज होती है, यहाँ पर बहुत सी रिएक्शन होती हैं जो एक सीरीज में चलती हैं। अब वो सीरीज वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH अकर्स विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH बने थे उनको यूटिलाइज कहाँ पर किया जाता है? डार्क रिएक्शन में किया जाता है। दीज ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड यूज्ड ग्लूकोज। अब देखो ATP और NADPH को यूज में करते हुए CO2 का रिडक्शन किया जाता है। CO2 का रिडक्शन करके किसका निर्माण कर दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। RUBP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। तो देखो केल्विन साइकिल में क्या होता है? RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, CO2 का एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये CO2 क्या होती है? गैस के रूप में पाई जाती है एनवायरनमेंट में। CO2 को ग्रहण किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और CO2 को सबसे पहले किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? RUBP के द्वारा, जो हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। फाइनली CO2 रिड्यूस्ड इन एग्जॉस्ट शुगर विच इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड कैन बी यूज्ड इन एनर्जी रिक्वायर्ड। लास्ट में CO2 को केल्विन साइकिल के अंत में क्या होता है? CO2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट, यानी हेक्सोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो प्लांट्स को जब भी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके रूप में एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में यूज में आ जाती है। नेट इक्वेशन की बात करें डार्क रिएक्शन का, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है? 6 CO2 यूज में आते हैं, 12 NADPH यूज में आते हैं, 18 ATP यूज में आते हैं, ग्लूकोज बनता है और साथ में ये जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से NADPH और ATP यूज में आते हैं और कितने आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार यूज में आते हैं। लाइट रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो डार्क रिएक्शन को पढ़ने से पहले यदि आपको लाइट रिएक्शन समझ में नहीं आई तो डार्क रिएक्शन भी अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी,
लाइट रिएक्शन आप पहले पढ़ो, लाइट रिएक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर को यूज़ में लिया जाता है, साथ में लाइट एनर्जी। इसमें क्या किया जाता है, वाटर से ऑक्सीजन का निर्माण होता है और एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं, वो एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज़ में लिए जाते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज़ में लिए जाते हैं। और CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और हमें नेटिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस का नेटिफिकेशन प्राप्त होता है, जहाँ पर हम लिखते हैं इसको नेटिफिकेशन को CO2 प्लस वाटर प्लस NADPH प्लस ATP प्लस लाइट क्लोरोफिल, फिर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी इसमें बनते हैं। तो इस प्रकार से डार्क रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसको केल्विन साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस प्रकार से केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। केल्विन साइकिल के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, सबसे पहले मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन, दो साइंटिस्ट थे, केल्विन मेल्विन केल्विन और एंडी बेंसन। इसके आधार पर इसलिए हम इसको केल्विन साइकिल या केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल कंप्लीशन थ्री फेजेज, केल्विन साइकिल क्या होता है, तीन फेज में कंप्लीट होता है, कार्बोक्सीलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यहाँ पर तीन स्टेप होती है, कार्बोक्सीलेशन होता है पहली स्टेप में, फिर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है और रीजनरेशन होता है, पुनर्निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखो कार्बोक्सीलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सीलेशन में क्या होता है, जो CO2 होती है, हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी बोलते हैं, CO2 फिक्सेशन कार्बोक्सीलेशन को। तो CO2 जो होती है एनवायरनमेंट में गैस के रूप में पाई जाती है। अब इसको सबसे पहले कहाँ पर किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, RUBP के द्वारा। RUBP क्या है, एक पाँच कार्बन वाली शुगर होती है, जो किसमें पाई जाती है, स्ट्रोमा में पाई जाती है। अब ये जो शुगर होती है वो CO2 के मॉलिक्यूल को ग्रहण करती है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है। और ये एंजाइम की उपस्थिति में RUBP जो क्या है, पाँच कार्बन वाली शुगर है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो पाँच कार्बन वाली शुगर है वो CO2 को ग्रहण करके रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है, 3PGA। 3PGA यानी तीन कार्बन वाला एक शुगर होती है, जिसको हम 3PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए अब देखो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसमें पांच कार्बन वाली शुगर से CO2 का मॉलिक्यूल जुड़ता है और तीन कार्बन वाली दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल कौन से, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो तीन कार्बन वाली शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, क्यों C3 साइकिल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होते हैं, तो जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो तीन कार्बन वाला होता है। नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी रिडक्शन। अब ये जो तीन कार्बन वाला उत्पाद बना है, क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका रिडक्शन किया जाता है, यानी अपचयन किया जाता है, किसमें, 3PGA रिड्यूस्ड इंटू PGAL, इसमें कन्वर्ट किया जाता है इसको PGAL यानी फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं यानी अपचयन, इसका रिडक्शन हो गया। अब फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के यदि देखो यहाँ पर हम कितने मोलिक्यूल यूज में लेते हैं, तो देखो एक बार में तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल फिक्स होता है, लेकिन हम यहाँ पर रिएक्शन में मान लो तीन मॉलिक्यूल लेकर चलें, तो मान लो तीन मॉलिक्यूल यूज में लेते हैं, तो तीन मॉलिक्यूल CO2 और तीन मॉलिक्यूल ये जो RUBP मिलते हैं, तो कितने, छह मॉलिक्यूल 3PGA का निर्माण होगा, यानी तीन कार्बन वाले छह मॉलिक्यूल बनेंगे। तीन कार्बन वाले छह मॉलिक्यूल लास्ट रिड्यूस्ड होते हैं किसमें, NADPH के द्वारा, छह मॉलिक्यूल का किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, PGAL में, या जिसको हम ग्लिसरिक एल्डिहाइड फॉस्फेट भी बोलते हैं, या PGAL भी बोलते हैं, GAP भी जिसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं हम, तो PGAL या GAP बनते हैं। अभी जो छह मॉलिक्यूल बने उनमें से एक मॉलिक्यूल तो किसमें कहाँ पर चला जाता है, शुगर सिंथेसिस में, और बाकी के मॉलिक्यूल वापस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, RUBP में, यानी रीजनरेशन हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में चले जाते हैं, छह मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी थ्री का यदि तीन मॉलिक्यूल वाला रिएक्शन देखें हम, तो वहाँ पर छह मॉलिक्यूल PGAL बनेंगे। छह मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो चला जाएगा कहाँ पर, शुगर के निर्माण में, यानी तीन कार्बन वाली शुगर ही है, तो एक मॉलिक्यूल तो छह कार्बन वाला ग्लूकोज बना नहीं सकता, तो दूसरे चक्कर में एक और बनेगा,
तो यहाँ पर क्या बन गया है? हम कह सकते हैं ये आधा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। तो इसमें जो शुगर बनती है, ये भी ध्यान रखने वो बात है कि जो केल्विन साइकिल में जो शुगर बनती है वो 3 कार्बन वाली शुगर होती है, 6 कार्बन वाली शुगर नहीं होती, 3 कार्बन वाली शुगर होती है। और ये 3 कार्बन वाली शुगर बाद में कन्वर्ट की जाती है किसमें, स्टार्च में या सुक्रोज में कन्वर्ट की जाती है। तो कभी भी इसमें डायरेक्ट ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता, ये बात ध्यान रखने हो गया है। जिसमें जो शुगर बनती है वो 3 कार्बन वाली शुगर बनती है, जिसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसिक एल्डिहाइड या ग्लिसिक एल्डिहाइड फॉस्फेट भी जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से तीनों स्टेप कंप्लीट होती हैं। तो अब हम केल्विन साइकिल को डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी तीनों स्टेप्स कंप्लीट होती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है केल्विन साइकिल में, सबसे पहले जो राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट यानी RUBP होता है, यह RUBP किसके द्वारा इनकॉर्पोरेट CO2 को ग्रहण करता है। यहाँ पर देखो हम तीन मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल RUBP के और 3 मॉलिक्यूल CO2 के, एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट होते हैं। RUBP क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर है जो CO2 से जुड़कर एक 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनाती है। तो 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट बनाती है, लेकिन वो बहुत ही अस्थायी होता है और तुरंत ही किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है इंटरमीडिएट बीच में, लेकिन वो तुरंत ही किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर देखो छः कार्बन वाले मॉलिक्यूल से क्या बन गया, 3 कार्बन वाले हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन गए, जिसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसिक एसिड भी इसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट में ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट ATP के यूज़ में लेते हुए, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए, ये 6 मॉलिक्यूल 6 ATP को यूज़ में लेंगे। ATP का काम क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन करना। तो यहाँ पर देखो 3-फॉस्फो यानी एक थ्री एंड वन थ्री एंड पर क्या है, तीसरे नंबर कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसका मतलब। अब लेकिन 6 ATP को यूज़ में करते हुए इन 6 के 6 मॉलिक्यूल पर एक एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा, यानी 1,3-बिस्फॉस्फेट। यहाँ पर तो सिर्फ एक फॉस्फेट ही था, मोनोफॉस्फेट थे, यहाँ पर ये 20 फॉस्फेट हो गए। तो 1,3-बिस्फॉस्फेट यानी पहले एक नंबर कार्बन और दूसरे नंबर तीसरे नंबर कार्बन पर क्या जुड़ गए, फॉस्फेट जुड़ गए। तो 1,3-बिस्फॉस्फेट ग्लिसरेट का निर्माण हो गया। अब ये 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट NADPH की सहायता से किस में रिड्यूस हो जाते हैं, GAP में, ग्लिसरेडियाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम PGAL या GAP भी बोलते हैं। तो GAP ग्लिसरेडियाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। किसको सहायता, किसको यूज में लिया इसने, 6 मॉलिक्यूल 3,1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट के लिए 6 मॉलिक्यूल NADPH की आवश्यकता हुई और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल किसके बन गए, GAP के बन गए। अब देखो GAP अपने एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है। GAP क्या है, ग्लिसरेडियाइड फॉस्फेट यानी यह एक एल्डिहाइड शुगर है। क्या है, ये एल्डिहाइड शुगर है, इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। अब ये एक दूसरे अपने एक इंटरमीडिएट यानी आइसोमर में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। तो आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसका एक आइसोमर होता है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो GAP किस में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हुए थे, 6 मॉलिक्यूल GAP के। तो 6 मॉलिक्यूल GAP में से 3 मॉलिक्यूल DHAP में कन्वर्ट हो जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल GAP में ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पर अब ये जो एक मॉलिक्यूल होता है, अब इनमें से 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो कहाँ पर चला जाता है, शुगर सिंथेसिस के लिए। शुगर सिंथेसिस के लिए कई बार शुगर, अब देखो हमें पता है जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, शुगर का निर्माण होता है। अब शुगर का निर्माण कभी भी ऐसे ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है इसमें, तो यहाँ पर शुगर का निर्माण कैसे होता है, 3 कार्बन वाली शुगर बनती है। क्या है, जिसका नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या हम PGAL, क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो PGAL भी बोल सकते हैं या DHAP भी बोल सकते हैं। ये क्या करती है, 3 कार्बन वाली शुगर आगे जाकर एक और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनाती है, अलग जिसकी अलग से प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जाकर यह क्या बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। अब ग्लूकोज या शुगर का सुक्रोज का निर्माण या स्टार्च का निर्माण करती है, तो DHAP का निर्माण होता है एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में, और ये एक मॉलिक्यूल DHAP कहाँ चला जाता है, केल्विन साइकिल से बाहर शुगर सिंथेसिस के लिए। अब देखो हमने 3 स्टेप पढ़ी थी इसकी, किसकी, केल्विन साइकिल की। फर्स्ट स्टेप क्या थी, CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर RUBP के साथ, जैसे ही CO2 जुड़ा तो वो CO2 फिक्सेशन हो गया। दूसरा
दूसरी रिडक्शन, तो रिडक्शन कैसे हुआ, एनएडीएच को यूज में लेते हुए रिडक्शन हो गया, जीएपी का निर्माण हो गया, ग्लिसरीडाइड फॉस्फेट का निर्माण हो गया। अब रीजनरेशन, थर्ड स्टेप कौन सी होती है, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब यहाँ पर जो हमने आरयूबीपी के तीन मोलिक्यूल लिए थे काम में, अब इन आरयूबीपी के तीन मोलिक्यूल को वापस से निर्माण करना है। अब किस प्रकार से आरयूबीपी का निर्माण करेंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ पर छः मोलिक्यूल जो बने थे उनमें से एक मोलिक्यूल तो डीएचएपी का कहाँ पर चला जाएगा, सुगर सिंथेसिस के लिए, और बाकी के बचे जो पाँच मोलिक्यूल है वो वापस से मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आरआईबुलोज 1,5-बिस्पोर्ट यानी आरयूबीपी का। वो किस प्रकार से निर्माण करेंगे, तो देखो इनमें से एक मॉलिक्यूल जीएपी का और एक मॉलिक्यूल डीएचईपी का। हम मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, तो जीएपी और डीएचईपी का एक एक मॉलिक्यूल मिलकर एक, अब तीन तीन कार्बन वाली शुगर है तो एक छः कार्बन वाली शुगर फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 6 कार्बन वाली शुगर है, ये एक और जीएपी के साथ जुड़ेगा और एक और जीएपी के साथ यानी तीन कार्बन वाली शुगर के साथ जुड़ेगा, तीन और छः टोटल कितने हो गए, 9 कार्बन। तो 9 कार्बन मिलकर आपस में एक तो 5 कार्बन वाली शुगर जाइलोज 5-फॉस्फेट और एक 4 कार्बन वाली शुगर इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। अब जाइलोज 5-फॉस्फेट लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में। अब बचा क्या हमारे पास, एक 4 कार्बन वाली शुगर बची। अब ये जो बचा हुआ एक और डीएचईपी है, ये डीएचईपी किसके साथ इनकॉर्पोरेट होता है, इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट 3 कार्बन वाली शुगर है और ये 4 कार्बन, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 7 कार्बन। अब 7 कार्बन जुड़कर एक 7 कार्बन वाली शुगर का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, सीडोहेप्टुलोज 1,7-फॉस्फेट। अब सीडोहेप्टुलोज 1,7-फॉस्फेट सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। अब सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट, अब जो लास्ट में बचा हुआ हमारे पास एक और ग्लिसरीडाइड फॉस्फेट है, यह ग्लिसरीडाइड फॉस्फेट क्या करता है, इसके साथ जुड़कर एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाता है राइबोज 5-फॉस्फेट और एक बनाता है जाइलोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर बन गया था राइबोज फॉस्फेट और एक यहाँ पर बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल तो ये बन गए। अभी जो जाइलोज 5-फॉस्फेट बना है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, राइबोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट में ये राइबोज 5-फॉस्फेट क्या करता है, अब देखो राइबोज 5-फॉस्फेट में केवल एक ही फॉस्फेट है, अब ये और एटीपी, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए हमें, एक तो यहाँ से आया, एक ये कन्वर्ट हो गया और एक जाइलोज 5-फॉस्फेट, तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल किसके बन गए, राइबोज 5-फॉस्फेट के। अब ये तीनों मॉलिक्यूल 3 ATP के साथ ऐसे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट में RUBP में, राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट, और नेक्स्ट साइकिल में फिर से ये 3 CO2 के साथ जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से वापस से ग्लूकोज का निर्माण, इस प्रकार से केल्विन साइकिल चलेगा। तो देखो यहाँ पर एक साइकिल में हम यहाँ पर 3 CO2 यूज में ले रहे हैं, तो लेकिन एक CO2 एक साइकिल में सिर्फ एक CO2 ही फिक्स होता है, तो इस प्रकार एक ग्लूकोज का निर्माण के लिए हमें से 6 साइकिल की आवश्यकता होगी। हमें यहाँ पर 3 साइकिल में किसकी आवश्यकता रही, 6 ATP की, 6 NADPH की और 3 ATP यहाँ पर, तो 9 ATP यहाँ पर हो गए और 6 NADPH यहाँ हो गए। लेकिन यदि हमें देखो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए 6 CO2 की आवश्यकता होगी, तो इसको डबल कर देते हैं तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 18 ATP की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 9, और 9 को अगर डबल करें तो कितने हो गए, 18, तो 18 ATP की आवश्यकता होगी और 12 NADPH की आवश्यकता होगी। तो 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण करने के लिए। तो इस प्रकार से केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। लास्ट में यदि नेट इक्वेशन देखें तो नेट इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, 6 CO2 यूज में आते हैं, 12 NADPH और 18 ATP यूज में आते हैं और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। लाइट एनर्जी में हम देख चुके हैं 6 मॉलिक्यूल वाटर के देखें यूज में आते हैं और लाइट एनर्जी यूज में आते हैं, तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और ATP बनते हैं और NADPH बनते हैं। तो इक्वेशन टोटल देखें तो टोटल इक्वेशन की बात करें तो टोटल हमें हमारे पास 6 CO2 यूज में आते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज में आते हैं, 12 NADPH यूज में आते हैं, 18 ATP यूज में आते हैं, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल वापस प्राप्त हो जाते हैं हमें। और क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हमें एक साथ दिख रही है लेकिन हम ये कभी भी एक साथ नहीं होती है, हम पहले देख चुके हैं लाइट रिएक्शन अलग होती है और डार्क रिएक्शन अलग होती है, ये रिएक्शन हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज में लेते हुए किसका निर्माण कर दिया जाता है, लास्ट में वापस से किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, यानी केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। तो आई होप ये केल्विन साइकिल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।